नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और इस वीडियो में जो हम भारतीय चित्रकला से संबंधित क्वेश्चंस कर रहे हैं, चित्रकला उसी का ये एक पार्ट है, तो सभी क्वेश्चंस इंपोर्टेंट है इसमें। तो इससे पहले भी मैं चित्रकला से संबंधित एक क्वेश्चन एक पूरी वीडियो बना चुका हूँ। तो जितने भी इंडियन कल्चर है, भारतीय संस्कृति है, सभी क्वेश्चन हम अपनी सीरीज में करने वाले हैं। तो सभी पार्ट देख सकते हैं, लगभग 40 ऑलमोस्ट 40 30 से 40 पार्ट बनाने वाला हूँ, तो सभी को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना जब ये वीडियो लास्ट में 20 सेकंड की रह जाएगी, यदि आप वीडियो ऑनलाइन देखते हैं तो स्क्रीन पर ही प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहीं से जो भी पार्ट नहीं देखा आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यानी 27वां क्वेश्चन है कि एम एफ हुसैन है एक क्या? तो एम एफ हुसैन एक चित्रकार हैं, और मैंने आपको पहले ही बताया था इन्होंने अपनी चित्रकारी जो शुरू की थी वो जो फिल्मी पोस्टर होते हैं, फिल्म के जो पोस्टर होते हैं उनको बनाने से की थी, और आज ये विश्व प्रसिद्ध चित्रकार हैं एम एफ हुसैन। नेक्स्ट है कि पाब्लो पिकासो कहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? देखिए पाब्लो पिकासो हुआ, और एक और जिनका नाम है लियोनार्डो दा विंची, द लास्ट सफर उनकी बहुत ही फेमस पुस्तक मतलब एक चित्र है द लास्ट सफर। और जो पिकासो हैं इनका संबंध किस देश से रहा है? तो पिकासो हैं स्पेन से, ऑप्शन सी स्पेन। तीन संगीतज्ञ किसके प्रसिद्ध पेंटिंग है यानी थ्री म्यूजिशियन एक पेंटिंग का नाम है, और ये जो पेंटिंग बनाई है वो बनाई है पिकासो ने, ठीक है? स्पेन के हैं पिकासो और थ्री म्यूजिशियन इसकी प्रमुख कृति है। नेक्स्ट की विख्यात चित्रकारी द लास्ट जजमेंट, देखिए दो हैं, एक है द लास्ट सफर और एक है द लास्ट जजमेंट, ठीक है? तो द लास्ट जजमेंट तो माइकल एंजलो की है, और जो द लास्ट सफर है वो विंची की है। इन दोनों में डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा, और दोनों ही फेमस है। द लास्ट जजमेंट ये एंजलो माइकल एंजलो की है, और जो द लास्ट सफर है वो लियोनार्डो द विंची की है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए ये आ गया ना 31वां क्वेश्चन, विश्व विख्यात पेंटिंग द लास्ट सफर किसकी कृति है? तो द लास्ट सफर है आपकी लियोनार्डो दा विंची की, ऑप्शन सी। एक मोनालिसा भी है, मोना लिसा वो भी बहुत फेमस है, वो भी लियोनार्डो दा विंची की है मोनालिसा, और द लास्ट सफर इसके दो फेमस हैं, द लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो की है, और थ्री म्यूजिशियन पिकासो। ये तीनों के तीनों मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बताऊंगा, 29 30 31 याद होने चाहिए जरूर। फिर से देख लीजिए, अच्छी तरीके से देख लीजिए इन तीनों की कृतियों के नाम। और आ गया मोनालिसा, एक सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? मोनालिसा, ठीक है? मोनालिसा बहुत ही मतलब दुनिया के जो सबसे महंगी 10 पेंटिंग है ना उसमें नाम आता है मोनालिसा का। तो ये लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया है, ठीक है? द लास्ट सफर भी इनकी है, और ये मोनालिसा भी है। माइकल एंजेलो कौन सी है? द लास्ट जजमेंट। पिकासो कौन सी है? थ्री म्यूजिशियन। नेक्स्ट है कि विश्व विख्यात चित्रकारी गुएरनिका किसकी कृति है? तो गुएरनिका एक पेंटिंग का नाम है, और ये पिकासो के द्वारा बनाई गई है, ठीक है? पिकासो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंसी किस देश के विश्व विख्यात चित्रकार हैं? तो लियोनार्डो दा विंसी और माइकल एंजेलो ये दोनों के दोनों जो है वो इटली के हैं, ठीक है? दोनों के दोनों इटली के हैं, और पिकासो कहाँ के हैं? पिकासो स्पेन के हैं। ये बात ध्यान रखने वाली बात है ये, क्योंकि पिकासो माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंसी इन तीनों ने मतलब ये बहुत ही ज्यादा फेमस है चित्रकारी के क्षेत्र में, तो इसलिए तीनों के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, ठीक है? उस्ताद मंसूर खान, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ये जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार हैं, उस्ताद मंसूर खान। और नेक्स्ट है कि चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची, ठीक है? तो जहांगीर के समय में वो सबसे ऊंचे स्थान पर थी। और नेक्स्ट है कि लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ये मधुबनी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस मतलब किसके किस राज्य की है मधुबनी, तो मधुबनी है बिहार की, ठीक है? ऑप्शन सी बिहार। और नेक्स्ट है हमारा कि जैमिनी राय ने किस क्षेत्र में नाम कमाया है? तो जैमिनी राय का संबंध जो है वो चित्रकला से है, ऑप्शन सी चित्र। और नेक्स्ट है हमारा कि पश्चिम बंगाल के फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? जो पश्चिम बंगाल है वहां पे, जैसे हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश की यदि बात करते हैं तो रंगोली का नाम आपने जरूर सुना होगा, ये फर्श पे हम कलर के रंगोली बना देते हैं, उसी तरीके से जो पश्चिम बंगाल है ये भी फर्शों पे चित्रकारी करते हैं पश्चिम बंगाल के लोग, और उसे बोलते हैं अल्पना, ठीक है? ऑप्शन बी अल्पना। और नेक्स्ट है कि किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की थी? मतलब मैंने आपको बताया था ना कि जो एम एफ हुसैन है इन्होंने अपनी जो चित्रकारी की शुरुआत फिल्म के पोस्टर बनाने से की थी एम एफ हुसैन ने,
नेक्स्ट है कि कौन सा मुगल शासक चित्रकारों को बड़ा संरक्षक था, चित्रकारों का जो बहुत बड़ा संरक्षक था यानी कि उसके दरबार में बहुत ही बड़े बड़े चित्रकार रहते थे, तो वो जहांगीर ही था, ऑप्शन बी जहांगीर। बनेठनी किस चित्रकला से बनी मतलब संबंधित है, ये शायद पिछली वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो बनेठनी है वो किशनगढ़ शैली से संबंधित है, किशनगढ़ शैली। और नेक्स्ट है कि भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, वो किसके द्वारा की गई थी, तो इस एकेडमी की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर ठाकुर भी बोल देते हैं इन्हें, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है, मतलब समझ लो कि जो भारतीय चित्रकला है ना वो उसका संबंध मुगल चित्रकला से भी है, दोनों में थोड़ा थोड़ा मतलब मिला हुआ जुला है। तो निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है, भाई जितने भी भारतीय कला हैं सब में, चित्रकला की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो मुगल चित्रकला का थोड़ा थोड़ा फर्क जरूर मिलता है, लेकिन इसमें एक ऐसी कला भी है, चित्रकला भी है जिसमें मुगल शैली का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा है, नाम मात्र के लिए नहीं पड़ा है, तो वह आपका जो कालीघाट चित्रकला है, कालीघाट उसका कोई प्रभाव नहीं है मुगल चित्रकला का उस पर। नेक्स्ट कि मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी, मतलब अपने सर्वोच्च जो स्तर पर पहुंची थी मुगल चित्रकला, वो जहांगीर के समय में पहुंची थी, ठीक है, ऑप्शन सी जहांगीर। और नेक्स्ट है कि मोनालिसा क्या है, तो मोनालिसा एक चित्र का एक चित्र है जो कि लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा बनाया गया है, मोनालिसा द लास्ट सफर, ये दोनों के दोनों मोनालिसा और द लास्ट सफर दोनों के दोनों एक चित्र है और लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा दोनों बनाए गए हैं। नेक्स्ट के प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसके द्वारा चित्रित है, किसने बनाया है इसे, तो लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा मोनालिसा बनाया गया, मोनालिसा और द लास्ट सफर, और जो द लास्ट जजमेंट है वो माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया है, माइकल एंजेलो और ये लियोनार्डो दा विंची दोनों के दोनों इटली के थे। नेक्स्ट है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो अपनी गुफाओं के जो शैल चित्र हैं उनके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, चित्रकारी के लिए। नेक्स्ट है कि गंधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्म उपदेश के संबंध में प्रवचन मुद्रा का क्या नाम है, जो मतलब गंधार शैली में बनाई गई है, पहली बात तो ये जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, ठीक है, और दूसरी बात मूर्तिकला, ठीक है, मूर्तिकला के बाद चलिए हमें ये जो मतलब जो बुद्ध जो उपदेश दे रहे हैं उसका क्या नाम है, तो भाई हम सभी जानते हैं जब भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था तो उसे कहा गया था धर्म चक्र, ठीक है, धर्म चक्र प्रावर्तन। इनकी जीवन की तीन घटनाएं थी, जब एक तो इन्होंने जब अपना ग्रह त्यागा था, तो जब ग्रह त्यागा था इन्होंने ग्रह त्याग तो उसे कहा गया था महाभिनिष्कर्मण, महाभिनिष्कर्मण। दूसरा जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो कहा गया था इनको निर्वाण, कि इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो गई। तीसरा जब इन्होंने अपना उपदेश दिया, पहला उपदेश जब सारनाथ में दिया गया उसे कहा गया था धर्म चक्र प्रावर्तन, धर्म चक्र परावर्तन, ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन बोला 56वां कि जब उन्होंने पहला उपदेश दिया तो उसे क्या कहा गया, धर्म चक्र परावर्तन, और जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसे कहा गया महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। तो इनके जीवन की चार घटनाएं हैं, चारों के चारों को आपको मुख्य रूप से ध्यान ही रखना है, ठीक है, इसमें कोई मतलब छोड़ने वाली बात नहीं है, ग्रह त्यागना, पहला उपदेश, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु, ये सभी सभी ध्यान रखने हैं। और नेक्स्ट है कि अजंता किसके लिए प्रसिद्ध है, भैया हम सभी जानते हैं कि अपनी जो उनकी कलात्मक चित्रकारी है उसके लिए अजंता प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित गुफा चित्रों में से जो सबसे पुरानी चित्र किस में है, कौन से हैं इन चारों गुफाओं में से जो सबसे पुराने चित्र मिलते हैं वो किस गुफा में मिलते हैं, तो मिलते हैं आपके जो एलोरा की गुफाएं हैं उनमें, ऑप्शन बी एलोरा की में। नेक्स्ट है कि चित्रकला की गंधार स्कूल शैली निम्न शैलियों में से किसका मिश्रण है, जो गंधार शैली है, गंधार कला जहाँ पे बुद्ध की जो पहले उपदेश दिया था उन्होंने उसकी प्रतिमा बनाई हुई है वो गंधार शैली में बनाई हुई है, तो जो गंधार शैली बनी है किन दो शैलियों के मिलने से बनी है, तो ये गंधार शैली बनी है भारत और ग्रीक, इन दोनों को मिलाने से, भारत और ग्रीक शैली इन दोनों को मिलाने से बनी है जो गंधार कला शैली है, ठीक है, गंधार। और नेक्स्ट है कि जो अजंता गुफाएं हैं उनकी मूर्तियां दर्शाती हैं, किस चीज को दर्शाती हैं अजंता गुफाएं में, तो भगवान शिव से, भगवान बुद्ध से और भगवान महावीर से, यानी कि उपयुक्त में से सभी धर्मों के लिए, चार इन तीनों के लिए प्रसिद्ध हैं, जो वहां की मूर्तियां हैं वो अजंता गुफाएं वो तीनों को दर्शाती हैं। नेक्स्ट है कि अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है, तो अजंता की जो चित्रकला है वो किस काल से संबंधित है, उनकी जो स्थापना हुई थी वो किस काल में हुई थी, तो आपका गुप्त काल में हुई थी,
ठीक है, अजंता की जो अधिकतर गुफा मंदिर हैं वो गुप्त काल में ही बने थे, क्योंकि जो मंदिर बनाने की जो प्रथा शुरू हुई थी वो गुप्त काल में ही हुई थी। नेक्स्ट की अजंता चित्रकारी का जो विषय वस्तु नहीं उनमें से किससे संबंधित है, जो अजंता चित्रकारी है उनकी जो विषय वस्तु है, जो वहाँ के चित्र बने हुए हैं उनका टाइटल क्या है, ठीक है, तो वो है बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म ऑप्शन बी। नेक्स्ट की अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित है, तो किस चीज के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो जो जातक है, जातक, जातक एक ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के बारे में बताया गया है, बुद्ध के जीवन के बारे में बताया गया है, जातक कथाएं बोलते हैं, उनके पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है जातक में, तो इसी के बारे में जो अजंता की गुफाएं हैं उनके बारे में पता चलता है। हालांकि ये नहीं है सिर्फ उसमें भगवान शिव के बारे में चलता है, महावीर के बारे में पता चलता है, लेकिन पंचतंत्र के बारे में आपको कोई वो नहीं है। पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा, इनकी पुस्तक है पंचतंत्र, जंगली जानवरों के बारे में बताया गया है, मतलब काफी अच्छी पुस्तक है। तो दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही था, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइए मुझे, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यदि आप ऐसी वीडियो लगातार देखना चाहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, देखने के लिए धन्यवाद।